कभी कभी तो मुझे मन होता है मैं अपने घर के पंखे पे लटक के मर जाऊं। तो गाइस आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि फीड में आपको क्या मिलने वाला है। मैं अपनी दुख भरी कहानी आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए। मैंने 300+ वीडियोज बना ली इंस्टाग्राम पे, 100+ वीडियो डाल दिए यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। मेरे को रीच नहीं मिल रही, वो पता नहीं क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, पर मैं क्या करूँगा। कभी कभी तो मुझे मन होता है मैं अपने घर के पंखे पे लटक के मर जाऊं। शेयर ही नहीं करता, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अब मैं कैसा बना रील बनाता, मेरी 2 मिलियन चली जाती। मानो कि नहीं, लेकिन मेरे पास फोन भी नहीं था। मैं अपने घर वालों के फोन से वीडियोस बनाता था, फिर किसी और मतलब मेरे दोस्त के फोन से एडिट करता था, फिर किसी और के फोन से पोस्ट करता था। तो आप समझ सकते हो मेरा स्ट्रगल कितना है। फिर भी कोई नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। मैं आप मेरा सेटअप देखोगे, मैं सीधा छत पर जाकर धूप में वीडियो बना रखी है मैंने, तो मेरे पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। मैं पूरा अंदर से टूट चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं कम से कम अपना फ़ोन ला सकता हूँ, आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दूंगा। नहीं तो अगला वीडियो आप ये देखोगे, माई लास्ट सांस। इस वीडियो पर अगर 10,000 ज़्यादा व्यूज नहीं आए, मैं बस और जीना नहीं चाहता। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत मना किया था कि वीडियो मत बनाओ, क्या है इसमें। मैंने 2 साल सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया, इस वजह से मेरे 10-12 की परसेंटेज में भी फर्क आया खाली इस वीडियो के कारण। और इस वीडियो ने मेरे को क्या दिया, कुछ नहीं, मिल बटा मिल। क्या करूँगा फिर मैं जी के, मतलब मेरी लाइफ खराब हो गई पूरी। जब मैंने पूरा कॉन्सेंट्रेट वीडियो पे किया और यहाँ से व्यूज नहीं आ रहे, ये मैं अपने घर वालों को और दुखी नहीं करना चाहता, उन पर और बोझ नहीं बनना चाहता। इसलिए अगर इस वीडियो पे 10,000 व्यूज नहीं आए तो मैं कैसा लगा मेरा मजाक।